नमस्कार दोस्तों आज 10 नवंबर है और आज की जो सबसे पहली न्यूज है वो है सेंटर डिवाइसेस न्यू गाइडलाइंस फॉर टीवी चैनल्स ब्रॉडकास्ट ऑफ सोशली रिलेवेंट टॉपिक कंपल्सर मतलब अब जो टीवी चैनल्स हैं जितने भी आप टीवी चैनल देख रहे हो ब्र, मतलब फॉरेनर को छोड़ के और कुछ वाइल्ड लाइफ वाले को छोड़ के बाकी सभी टीवी चैनल को राष्ट्रीय महत्व से चीज़ों के लिए आधे घंटे का समय निकालना पड़ेगा हर हाल में उन्हें आधा घंटा उसके लिए डेली निकालना पड़ेगा और ये अनिवार्य किया जा रहा है अब ये कौन से आठ लिस्टेड थीम दिए गए हैं और इनमें कौन कौन से हैं इंक्लूड एजुकेशन एंड स्प्रेड लिटरेसी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वेलफेयर ऑफ वुमेन वेलफेयर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड कल्चरल हेरिटेज एंड नेशनल इंटीग्रेशन ठीक है ये हैं जिनके बारे में आपको देना पड़ेगा यदि हम इनको ऐसे गिने तो दो तीन चार पाँच ठीक है छ सात और आठ है ना इस प्रकार से आप देखो कि आठ जो हैं, आठ क्षेत्र हैं, जिनको आपको अनिवार्य किया गया कि उनमें से आधा घंटा आपको देखना पड़ेगा आप एक लिस्ट बना लीजिए इसमें और इन लिस्ट में से ये देखिए कि कौन कौन से सेक्टर हैं, उनमें से कौन कौन सी चीजें आती है।, है ना तो ये आपको देखना है तो ये आपको देखना है और इसके बारे में आपको पढ़ना है ठीक है इसके बाद जो है उसके बाद अगला अगली जो न्यूज है वो कल ही बताया था द सैडो ऑफ पेंडोरा ये थोड़े मुश्किल वर्ड यूज करने के लिए जानते रहते हैं तो डब्ल्यू एस जो कोटा दिया गया है इसी पे पूरी बात की गई है तो आप इसे देख लेंगे एक बार फिर से तो आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा ठीक है बाकी कुछ नहीं है ईड्ल्यू एस कोटे के बारे में ही डिस्कस किया गया गवर्नर वर्सेस द गवर्नमेंट है ना अगली जो न्यूज है वो गवर्नर वर्सेस द गवर्नमेंट केरला में जो आरिफ मोहम्मद खान और वहां की सरकार के बीच में जो टसल चल रहा है अभी एक सरकार जो है एक न, क्या ला रही है तो अध्यादेश ला रही है है ना अध्यादेश ला रही है क्यों ला रही है राज्यपाल को हटाने के लिए और हम जानते हैं कि अध्यादेश तब लाया जाता है जब कोई सेशन नहीं चल रहा होता है और यह गवर्नर ही इस पर साइन करता है तो यहाँ आश्चर्य की बात यह है कि गवर्नर को हटाने के लिए अध्यादेश लाया जा रहा है मतलब कोई व्यक्ति अपने हटाने के लिए अपने को रिमूव करने के लिए किसी अध्यादेश पर साइन करेगा ये चीज़ें हैं तो आपको देखना क्या है फिर से मैं बता रहा हूँ गवर्नर के राइट ड्यूटीज एंड जो उनको छूट मिलती हैं उन मुक्तियाँ मिलती हैं प्रिविलेज मिलती हैं वो देखना है तो आप इसको एक उसमें एक पेज में तैयार कर लेंगे ऊपर और उसके नीचे देखिए तैयार कैसे करना है आप एक पेज लेंगे उस पेज में गवर्नर लिख के कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रावधान हैं वो तैयार कर लेंगे क्या राइट्स हैं क्या ड्यूटीज़ हैं और क्या प्रिवलेजेज मिले हैं ये तैयार कर लेंगे आप यहाँ पे उसके बाद सीधा सीधा यहाँ पे लिखेंगे केरला में ये हुआ है है तमिलनाडु में ये हुआ है तमिलनाडु में जो रवि हैं उनके उन वो नॉर्थ ईस्ट में थे उस समय भी इनके साथ काफी आ, मुद्दा उठा था नागालैंड में है ना तो इसको आपको देखना है इससे क्या होगा कि आपके जो भी राज्य में गवर्नर के साथ बहस चल रही है तो वो आपको एक जगह मिल जाएगा ठीक है इसके बाद है पेज नंबर एट पे पेज नंबर एट पे पेज नंबर पे इन द ऑफ़ फॉर ये क्लियर ब्लू स्काई यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो आपने यह बहुत दिनों से नहीं देखा होगा है ना नीला आसमान आपने देखा ही नहीं होगा क्योंकि पॉल्यूशन इतना फैल चुका है इतना पॉल्यूशन फैल चुका है कि यह दिखना लगभग असंभव हो गया उसी पे बात की गई है पी एम टू पॉइंट फाइव लेवल है ना किस तरीके की चीज़ें हैं और कैसे मतलब इसे रोका जा सकता है वन डिड दिल्ली स्टार्ट एक्टिंग अगेंस्ट एयर पॉल्यूशन है ना इस पे बात की गई है इसके साथ साथ क्या नुकसान हो रहे हैं इसके बारे में बात की गई है तो आप इसे पढ़ लेंगे तो एयर पॉल्यूशन के बारे में आप जान लेंगे ठीक है एयर पॉल्यूशन के बारे में जानने से पहले एक चीज़ और भी बताता हूँ क्या और भी कोई पॉल्यूशन है एक बहुत बड़ा पोल्यूशन है जिसके बारे में हम चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन वो है वो है नॉइज पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, ये दो पॉल्यूशन इतने ज़बरदस्त हैं कि लोगों की नींद हराम हो चुकी है वो प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाते हैं इतना शोर है कि वो प्रॉपर तरीके से नींद नहीं ले पाते हैं उससे जो हमारा बॉडी साइकिल है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है उससे कई प्रकार की बीमारियाँ वो हो रही हैं पर यहाँ पे अभी जो एयर पोल्यूशन की बात की गई इसी पे बात की गई है तो आप इसको ध्यान से पढ़ लें यहाँ पे कुछ चार्ट दिया गया है कि 2000 में क्या था 2005 में क्या था 2010 में किस तरीके लेवल हुआ है और 2015 में किस तरीके का था और 2020 में क्या लेवल था है ना देखिए तो आप एक तरीके से बहुत हद तक बढ़ा है लेकिन यहाँ पे इस एरिया में गुजरात के एरिया में कम हुआ है ना तो ये भी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी ठीक है लेकिन जो हिमाचल में ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी वो बिल्कुल साइड हो गई है है ना नॉर्थ ईस्ट में ठीक ठाक वाला मामला था वो ख़त्म हो गया है है ना इस तरीके से पॉल्यूशन का स्तर लेवल जो है बढ़ता जा रहा है छत्तीसगढ़ बहुत पॉल्यूटेड हो चुका है ना तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं झारखंड बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड पश्चिम बंगाल बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड बिहार उत्तर प्रदेश तो है ही है ना तो इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं और थोड़े आंकड़े दिए हुए तो उसको भी नोट डाउन कर सकते हैं इसके बाद जो है ऑन क्लाइमेट एक्शन बुक्स है ना यहाँ पे कुछ बुक्स हैं और दैट टेल अस व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट कैन बी डन है ना क्या हो रहा है और हम क्या करना चाहिए इसके बारे में बात की गई है तो तीन बुकें बात तीन बुक हैं इनको इनके समेरे दिए द क्लाइमेट सॉल्यूशन, द क्लाइमेट क्राइसिस एंड द ग्लोबल ग्रीन न्यू डील द एंड ऑफ नेचर है ना बिल मैकबिन तो ये तीनों बुक्स के बारे में यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बताया गया है और उसी पे आप इस, इसको इसको पढ़ लेंगे तो एक एक मतलब तो एक थ्योरिटिकल या एक कॉन्सेप्ट बेस आपको मतलब थोड़ा तैयार हो जाएगा तो आप इसे पढ़ लें है ना उसके बाद जो है हमारा अगला जो न्यूज है वो है डी वाई चंद्रचूड़ है ना डी वाई चंद्रचूड़ ने भारत के पचासवें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है तो आपको यहाँ पे क्या देखना है सुप्रीम कोर्ट देखना है और उसके मुख्य न्यायाधीश को किसके बराबर माना जाता है क्या शक्तियाँ हैं जैसे गवर्नर के बारे में बताया था सेम सिचुएशन करिएगा यहाँ पे डिटेल इनका लिख लीजिएगा और नीचे महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं नौ महत्वपूर्ण निर्णय आते हैं तो वो लिखते जाइएगा ठीक है क्योंकि इनका का लगभग दो साल से ऊपर का है तो ये लंबे समय तक रहेंगे तो ये बहुत मायने रखेगा तो इस चार्ट को बना लेंगे आप है ना इसके बाद है पश्मीना सॉल हैप संतोष गार्ड हेयर से कस्टम अल तो ये जो पेज नंबर है बारह है है ना तो उसके बाद यहाँ पे मिलेगा पसमीना सॉल पसमीना का नाम सुना होगा आपने पसमीना का नाम सुना होगा नहीं पढ़ा है तो आपको दो तीन चीजें देखनी है एक तो पश्मीना देखना है सहसूस देखना है गार्ड हेयर विच इज ऑप्टेंड फ्रॉम एंडेंजर्ड तिबन एंटलॉप्स एंटिलॉप्स हैं है ना द ट्रेडर क्लेम द यूज ऑफ अपसलेट टेक्निक्स सच इज लाइट माइक्रोस्कोपी बाय द अथॉरिटी एज रिजल्टेड सेवरल केसेस ऑफ फॉल्स पॉजिटिव है ना तो खैर उसमें क्या हो रहा है उसको हमको नहीं बताया हमको क्या देखना है साइट्स ठीक है क्या मामला बन रहा है है ना और उस पर ओरिजिनल है या नहीं इस पर बहस है तो हमें उस तरह तो नहीं देखना है हमें इसको देखना है कि ये जो कुछ चीज़ें हैं मतलब कुछ नाम हैं उन वो कहाँ पाए जाते हैं किस प्रकार के जीव हैं और यह क्यों चर्चा में रहे बस इतना ही देखना है उससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना है इसके बाद एक न्यूज है बहुत बड़ी दुनिया के लिए कि मेटा कट मेटर टू कट मोर देन इलेवन थाउजेंड जॉब्स इन वन बिगेस्ट ईयर ले ऑफ दिस ईयर तो बहुत बड़ी न्यूज है बहुत बड़ी न्यूज इस प्रकार की कि आप सोचो कि ग्यारह हजार से अधिक कर्मचारियों को एक साथ निकाला गया है और ऐसा आपने देखा होगा कि कई टेक कंपनियाँ या कई ऑन आन, ऑनलाइन वाली कंपनियाँ वो अपना काम कर रही है जैसे अन है न बाइजू ट्विटर ने निकाला तो ये दोनों स्तर पे चल रहा है क्षेत्रीय स्तर पे भी और ग्लोबल लेवल पे भी भारत में भी हो रहा है वर्ल्ड में भी हो रहा है ट्विटर ने भी निकाला फेसबुक ने भी निकाला अब क्या कौन निकाल रहे हैं बाइजू भी निकाल रहा है अनएकेडमी भी निकाल रहा है इस तरीके की छटनी लगातार चल रही है इसके पीछे क्या कारण है क्या जो बुलबुला है ना इतने करोड़ रुपए का या इतने अरब रुपयों का हम बन गए हैं ये फूट रहा है अब इस पर किसी दिन चर्चा करेंगे कि आखिर हम किसी कंपनी के लिए कैसे तय करते हैं कि ये इतने रुपए की कंपनी है या इतने रुपए का मामला है इसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे आपको एक बहुत अच्छे चार्ट के माध्यम से बताएंगे ताकि आप एकदम से क्लियर हो जाओ कि शेयर बाज़ार कैसे काम करता है शेयर बाज़ार में जो कंपनियां लिस्टेड होती हैं उनका पैसा अचानक से इतना कैसे बढ़ जाता है ना तो इसके लिए हम एक निश्चित दिन देख लेते हैं और मे भी जल्दी ही बता देंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही है यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें धन्यवाद